राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और कांग्रेस के भीतर मंथन जारी है। 5.2 करोड़ मतदाता अपनी नई सरकार चुनने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे। एक तरफ अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के सहारे इस उम्मीद में हैं कि वह प्रदेश की पुरानी सियासी परंपरा को तोड़ेंगे, जिसमें एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का चलन है। वहीं भाजपा बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने लाए मैदान में। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 200 सदस्यीय सदन में 100 सीटों के साथ सत्ता हासिल की और वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को मात दी थी। इससे पहले 2013 विधानसभा में बीजेपी को 163 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल हुई थी और वसुंधरा राजे सीएम बनी थी। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध और लगातार परीक्षा पेपर लीक के बड़े मुद्दे मौजूदा गहलोत सरकार की परीक्षा ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा इन मुद्दों के सहारे जीत हासिल कर पाएगी, क्या भाजपा इन मुद्दों का फायदा उठा पाएगी। लेकिन भाजपा के लिए अभी इससे भी बड़ा सवाल खड़ा है। भाजपा के लिए अभी सबसे कठिन सवाल कोई है तो वो है वसुंधरा राजे। वो भाजपा राजस्थान की सबसे कद्दावर नेता है। राजपूत समुदाय में उनकी पेट है, लेकिन अटकलें हैं कि भाजपा उन्हें दरकिनार कर रही है और इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि दरकिनार किए जाने के बावजूद राजस्थान में भाजपा की सबसे ताकतवर नेता वसुंधरा राजे हैं। दूसरी ओर 72 साल की उम्र में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई नहीं है, दोनों नेताओं की अपनी अपनी पार्टियों में भी कॉम्पिटिशन जो है वो काफी तेज है। जहाँ अशोक गहलोत को चिंता करने के लिए 46 वर्षीय सचिन पायलट है, वहीं वसुंधरा राजे को 52 वर्षीय दिया कुमारी की चिंता है, क्योंकि अटकलें हैं कि भगवा पार्टी उन्हें वसुंधरा राजे की जगह खड़ा कर सकती है। राजस्थान में परीक्षाओं के पेपर लीक होना लगभग आम बात हो गई है। इस कार्यक्रम में ही कम से कम 14 ऐसे मामले हुए जब परीक्षा के पेपर लीक हुए, जिसमें लगभग 1 करोड़ युवा प्रभावित हुए। राजस्थान में 48.92 लाख मतदाता पहली बार मतदान कर रहे हैं और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनका गुस्सा कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो बार बार होने वाली समस्या रही है। जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राजस्थान में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल 33,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन गांधी परिवार चुप बैठा है। वसुंधरा राजे ने दावा किया है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में हुए हैं। 54 महीनों में 7 लाख से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इस बार राजस्थान में 2.51 करोड़ महिला मतदाता है, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा था। यह मुद्दा भी काफी अहम है। जयपुर के दोनों मेयरों को रिश्वतखोरी के मामले में उनके पतियों के शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया था। बीजेपी में राजस्थान सरकार की मुफ्त राशन किट योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। यह माना जा सकता है कि राजस्थान में करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है। गहलोत सरकार के खिलाफ ये तीन मुद्दे जो हैं वो खड़े हैं, जिससे शायद हो सकता है कि गहलोत सरकार जो है ये मन बनाए बैठी है कि वापस से राजस्थान में उनकी सरकार बनेगी, तो शायद इन मुद्दों की वजह से भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं के साथ अपराध, इन तीन मुद्दों की वजह से राजस्थान में शायद कांग्रेस की सरकार बनते बनते ना बने और भाजपा इन मुद्दों की वजह से बाजी मार जाए। अब देखने काफी दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान की सत्ता पर राजस्थान की जनता किसको काबिज करती है, किसको राजस्थान की सत्ता सौंपती है।